गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और अभी शाम के 7 बजे हैं और मेरे दिमाग में आया कि मैं भी एक इस बारे में वीडियो बनाऊं कि जैसे अभी कुछ दिन पहले नित्या के सपोर्ट चैनल हैक हो गया था, और उससे पहले भी मैंने देखा है कि कई चैनल हैक हुए हैं। और तो क्योंकि मेरे साथ में भी ये हो सकता था, ये कुछ दिन पहले की बात है, ये मई, आज 30 मई है, अप्रैल के लास्ट की बात है। मैंने अपना चैनल रजनी लाइफ ब्लॉग्स के नाम से जो ब्लॉगिंग करती हूँ मैं, इसी जिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो इस मतलब ये चैनल मैंने जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था। तो हुआ क्या कि तो कई दिन हो गए थे वो इनेबल नहीं हुआ था, तो मेरे मन में मतलब ये मुझे ये डाउट हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई गलती कर दी है इसमें। तो मैं जैसे योगी सर की या फिर इसरार भाई के नाम से जो चैनल है उनकी, या फिर एक और है कोई, मतलब ऐसी मतलब जब टाइम मिलता है तो मैं इन लोगों की वीडियोस देख लेती हूँ। तो मैंने ये मतलब जैसे उसमें ये देखा था कि ये लोग सपोर्ट करते हैं, ये लोग जैसे कोई है हेल्प चाहता है या कुछ पूछना होता है तो ये लोग बता देते हैं ऐसा मतलब। लेकिन मैंने कई लोगों को मैसेज किया था इस बारे में कि मैसेज क्या मतलब कमेंट किया था वीडियो पे कि मेरा चैनल इनेबल नहीं हुआ है अभी। और मैंने हुआ क्या है कि अभी मुझे फिर भी डाउट है, अभी आगे जब मैं पिन के लिए अप्लाई करूँगी उसके लिए मुझे डाउट हो रहा है कि मैंने 2 एड्रेस भर दिए हैं, कहीं मैंने गलती तो नहीं की है। ये मैंने ये कई लोगों से मैंने पूछा लेकिन कमेंट किया लेकिन किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और इसरार भाई के नाम से जो चैनल है मैंने उनको इंस्टा पे भी कॉन्टेक्ट किया और उनकी वीडियोज़ पे भी मैंने कॉमेंट किया कि इस तरीके से मैंने चैनल अप्लाई किया है अपना मोनेटाइजेशन के लिए और अभी इनेबल नहीं हुआ है और कितना टाइम लगता है इनेबल होने में। और मैंने ये भी उनको कमेंट किया था कि मैंने 2 एड्रेस भर दिए, मैंने कोई गलती तो नहीं की है, तो कोई रिप्लाई नहीं आया था। फिर मैंने इंस्टा पे उनको कांटेक्ट किया लेकिन उन्होंने मेरे मैसेज जो है सो नहीं किए और कोई रिप्लाई नहीं किया। और भी लोगों को मैंने कमेंट किया और इंस्टा पे भी मैंने मैसेज किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने उनकी वीडियोस पे कमेंट किया, मतलब दूसरी वीडियोस पे मैंने कमेंट किया सर भाई की कि आपने मेरी मतलब मैंने इंस्टा पे आपको कांटेक्ट किया और आपने मतलब मैसेज किया और आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो हुआ क्या, हाँ उससे पहले ही जैसे मैंने उनको जब कमेंट किया था ना कि इस तरीके से मैंने ऐसा किया है, हुआ क्या पता है कि किसी ने क्या किया कि उनकी ही मतलब प्रोफाइल लगा के और उनकी तरफ से मुझे मैसेज की मतलब रिप्लाई किया कि कई मैसेज थे मतलब मेरे। जब मैंने सुबह देखा, मैं रात को सो गई, मैंने जब सुबह खोल के देखा अपना मोबाइल तो कई मैसेज थे कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, आप अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए तो मैं आपका चैनल इनेबल करवा दूँ, मैं आपका चैनल इनेबल करवा दूँ। मेरा दिमाग ठनका कि ऐसा नहीं हो सकता। और तो मैं उस टाइम तो मैंने केवल बस इतना रिप्लाई उनको मतलब उस बंदे को दे दिया था जिसने भी ये मुझे रिप्लाई किया था। ये इसरार भाई का रिप्लाई नहीं था, ये किसी हैकर का रिप्लाई था, तो मैंने उसको ये रिप्लाई दे दिया था। मैंने कहा मैं यहाँ पे जो है नंबर नहीं दे सकती। और फिर उस बंदे का क्या हुआ कि उसने फिर मतलब जो कोई जवाब नहीं दिया और वो मैसेज भी रिमूव कर दिए, जो मैसेज किए थे मुझे वो भी रिमूव कर दिए। तो मैं समझ गई ये कोई हैकर था। तो मैं ये आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि आप लोग भी इस तरह की गलती कभी मत करिएगा कि जैसे आपने कमेंट किया किसी को कि मुझे ये हेल्प चाहिए और उधर से आपको ये आता है कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, कभी मत दीजिए। उस दिन अगर मैं भी अपना वहाँ पे नंबर दे देती तो आज मेरा भी चैनल जो हैक हो गया होता, उसी टाइम हैक हो गया होता और मैं बच गई। हुआ और आप किसी को अगर इंस्टा पे भी आप कांटेक्ट करते हैं तो नंबर देने से पहले, आप अपना नंबर कभी किसी को ना दें, नंबर देने से पहले वीडियो कॉल जरूर करें, उस फेस टू फेस मतलब फेस जरूर देखें कि आप वही बंदा है जिसको कि मैंने मैसेज किया है, जिससे मैंने कांटेक्ट किया है, कांटेक्ट करने की कोशिश की कि वही बंदा, तभी आप अपना नंबर दें, अन्यथा अपना नंबर कभी ना दें, नहीं तो आपका चैनल हैक हो जाएगा। ये गलती कभी मत करना। तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए कि मेरे साथ में ये हुआ था
मेरा भी चैनल हैक होने वाला था लेकिन बच गया। तो आप लोग भी जो है सतर्क रहें और अपना चैनल हैक ना होने दें। ये गलती आप कभी ना करें कि आपने कमेंट किया और उधर से रिप्लाई आ रहा है कि आप अपना नंबर दीजिए और आप अपना नंबर दे दें। कभी नहीं देना वहाँ उस जगह पे, तो बिल्कुल भी नहीं देना है। उस जगह बिल्कुल नंबर सेफ नहीं रहता, तो उस जगह पे तो बिल्कुल नहीं देना है। जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करें दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले फिर भी आपको कॉल ज़रूर करनी है, आवाज़ सुनिए, आवाज़ के थ्रू पहचानिए वही बंदा है जिसको मैं देना चाह रही हूँ, या वीडियो कॉल करिए उसके बाद ही नंबर दीजिए, अनजान नंबर मत दीजिए। सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। और इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।